हेलो फ्रेंड्स कैसी हो आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फ्रेंड्स देखिए अभी ना मैं आज आ, अपना जो अलमारी है यहाँ से मैंने सारा कपड़ा निकाल दिया है और अभी मैं और जितना भी बचा खुचा है ये सारा मैं निकाल के रख रही हूँ क्योंकि आप मेरा जो ये अलमारी देख रहे हैं ना मेटल का इसको आ, मुझे न जब मैं आई थी इस घर में तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया और मेरा उतना दिमाग काम नहीं किया कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखूँ तो ज़्यादा ठीक लगेगा और अभी मैं इस की जगह भी चेंज कर दूंगी और जगह चेंज कर करते वक्त फिर मेरा ये जो अलमारी है इसको साफ़ भी मैं कर दूंगी तो ये जो थिनर है ना ये मैंने मंगवाया था क्योंकि मेटल के ऊपर ना कुछ ऐसा दाग धब्बा था तो बहुत ज़िद्दी दाग धब दाग धब्बे कभी कभी हो जाते हैं तो इसी वजह से मैं थिनर की हेल्प से और इसको मैं छुटार ले रही हूँ उसके बाद बाद में फिर मैं कॉलजिन से भी साफ़ करूँगी उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मेरे अलमारी में जितना भी कपड़ा था ना वो सब मैंने निकाल लिया है और इस अलमारी में 90 परसेंट कपड़ा सिर्फ मेरा ही रहता है और ना आदित्य आदित्यसिक तो उतना ज़्यादा कपड़ा है नहीं और मेरे है तो मैं इतना आप सब जानती होंगी लेडीज़ के जो साड़ी वग़ैरह रहते हैं ज़्यादा पहनते नहीं है वो बस रखे रखे ही रह जाते हैं तो वही मेरा भी हाल है आज मैंने इसे पूरा इस वजह से खाली किया है क्योंकि मैं इसको अच्छे से अरेंज करूँगी क्योंकि जब ये आया था शिफ्टिंग के टाइम पर तो सारा कपड़ा मैं ऐसे ही रख दी थी मतलब जैसे उस टाइम समझ में आया जल्दबाजी में टाइम तो उतना था नहीं लेकिन बहुत जल्दी में सेट की थी और ये देखिए इसको पहले मैंने थिनर से साफ़ कर दिया अब इसका जो फेस है ना ये जिधर मैं सोती हूँ उधर सिरहाने की तरफ था तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी इसको ऐसे करने में जैसे कपड़े वगैरह निकालने में और ये जो मिरर है इसका भी यूज नहीं हो रहा था और अभी मैंने इस सेट कर दिया है और ये ना बिल्कुल पहले मुझे लगा था ना कि ये विंडो तक आएगा इसकी जो चौड़ाई है पर जब मैंने इसे ऐसे नाप के पहले मैंने देख लिया था उसके बाद फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया और ऐसे काफ़ी अच्छा लग रहा था अब मिरर का भी यूज होगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस बच गया और जहाँ पर मैंने अभी सोफा कम बेड रखा हुआ है ना उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा से बच गया अब मैं कोई भी अलमारी से कपड़ा निकाल के जैसे होता नहीं कि मिरर लगा हुआ है तो हम कभी ऐसे लगा के देखते हैं नए कपड़े कि आज ये पहनना चाहिए अच्छा लग रहा है कि नहीं तो अब मिरर का भी यूज होगा अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सारा कपड़ा निकाल के रख दिया अभी मुझे अंदर जो अलमारी आप देख रहे हो ना ये गंदा भी है तो अभी मुझे वो भी साफ़ करना है अंदर से पूरी इसका इस अलमारी का डीप क्लीन ही आज मेरा हो जा रहा है इसी बहाने और ना पता है मैं सुबह से ही इस काम में लगी थी और नाश्ता पानी इसको रख रख के मतलब इस काम को करके और बाबू को रख के मैं किचन का भी कुछ कुछ काम कर रही थी तो इसी वजह से आज सुबह से दोपहर तक मेरा इसी काम में ही लग गया फाइनली यहाँ पर आप सब देख सकते हो सारे कपड़े को मैंने फिर से फोल्ड किया सबसे और सबसे मुश्किल काम मेरे लिए ये था ना कि सारी चीज़ों को अरेंज करके रखना और फ्रेंड्स अभी आप लोग सोचोगे कि मैं हैंगर में लगा के क्यों नहीं रखती हूँ साड़ी वगैरह क्योंकि ना उसमें मतलब कि स्पेस ज़्यादा तो नहीं लगता है लेकिन ना मेरे पास हैंगर है लेकिन मैं नहीं रखती हूँ मेरे पास ये जो कवर है ना इसी में रखती हूँ इस में ना कपड़े गंदे भी नहीं होते हैं और जो मेरी हल्की साड़ियाँ रहता है उसे मैं ऐसे ही फोल्ड करके और तह लगा कर रख देती हूँ तो ये मुझे ज़्यादा सुविधा लगता है और अभी मैं आप सबको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे अपने अलमारी को कैसे आ, सेट किया है और कैसे मैंने सारी चीज़ों को रखा है वैसे तो नॉर्मल ही मैं रखती हूँ तो फिर भी मैं बता दे रही हूँ ये देखिए एक खाने में ना सबसे पहले तो सबसे नीचे मेरा एक्स्ट्रा सामान है जो मिक्स सब के कुछ कुछ रहते हैं कि छोटे मोटे फैब्रिक वगैरह एक्स्ट्रा है और उसके बाद देखिए मैंने सूट के एक रख दिए एक खाने में सिर्फ सूट है उसमें कुर्ती सूट और इधर देखिए यहाँ पे मैंने हल्की साड़ियाँ रखा है उसके ऊपर मेरे दो लहंगा है तो दो लहंगा को रखा है इस साइड जो रखे हैं ना ये कवर में जो फोल्ड करके रखे हुए साड़ियाँ ये मैं कभी कभी पहनती हूँ थोड़ी हैवी साड़ियाँ और इस साइड जो है वो हल्की साड़ियाँ है और एक खाने में आदित्य ये कपड़े आ गए हैं और आयांस के जो कपड़े हैं वो ना मैं जहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े रखे हूँ जो फैब्रिक है या फिर कुछ गरम कपड़े हैं उसी के साथ ही मैं रखती हूँ और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अब मैं ना अंदर से साफ़ की पूरा अलमारी मैंने अंदर का आप सभी को दिखाया और हैंगर में नहीं लगा के रखी हूँ क्योंकि उसमें ना कपड़े मुझे लगता है कि गंदे हो जाते हैं जो जा इसीलिए कवर मैंने लिया है तो कवर वाले ठीक है उसी में सारा मैचिंग का मैं रखती हूँ और उसमें ना बहुत दिन तक अगर मैं साड़ी नहीं भी पहनती हूँ ना तो उसमें धूल वगैरह लगती है और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने कॉलिन ले लिया है और जि, जितनी भी जिद्दी दाग थे उसे मैंने थिनर से साफ किया उसके बाद ये मैं कॉलिन से साफ कर रही हूँ इससे शाइनिंग आ जाती है और शीशा वगैरह भी मैं इसी से ही साफ करती हूँ तो हो जाता है और अभी मैंने इस साइड कर दिया है ना तो बेड के विंडो के साइड ही मुझे आने जाने का स्पेस हो जा रहा है और मैंने सोचा था कि कहीं वो बंद ब्लॉक ना हो जाए रास्ता पर ब्लॉक नहीं हुआ है और रही बात कर्टेंस वगैरह मैंने अभी नहीं लगाए हैं टेम्प्ररी मैंने बस अभी लगाया हुआ है और अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना अंस को लग गई थी भूख और वो खेल रहा था और मतलब मैं उससे हमेशा बातें करती हूँ इसीलिए वो मेरे पास रहता है वरना फिर वो उधम भी मचाता है आदित्य आजी घर पर नहीं थे क्योंकि उन लोगों का है स्कूल और फ्रेंड्स सुबह से मैंने कुछ भी काम नहीं किया है बस मैं नाश्ता ही बनाई थी और मेरा अभी बहुत टाइम हो गया है अब मुझे ड्रेसिंग को भी साफ़ करना है है तो ये हल्का ही काम लेकिन ना थोड़ा सा ही बैठा नहीं मैं सुबह से उठ के थोड़ी सी भी बैठी नहीं हूँ और मैं सोच रही ये काम हो गया फिर मुझे बहुत सारे कपड़े वगैरह भी मुझे धोने हैं और क्या करूँ कौन सा काम पहले करू ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये करूँ या फिर वो करू काम खत्म ही नहीं हो रहा है अब मेरा बहुत जाके ना दिल को ठंडक मिल रहा है अब फटाफट ड्रेसिंग को भी मैं साफ कर लेती हूँ उसके बाद अभी देखिए फ्रेंड्स मैंने अयांस के लिए खिचड़ी बना के रखा हुआ है और सुबह तो मैंने खाना पीना सब चीज़ बना दिया था और बच्चे भी चले गए थे स्कूल तो नाश्ता सुबह ही हम लोग खा पी के मैं सुबह से ही उसी काम में लगी हुई थी तो अभी मैं जा रही हूँ पहले अयांज को खिचड़ी खिला दूंगी अभी गर्म है तो बस उसको मैं चढ़ा दी थी वही गैस वगैरह में गिर गया था हल्का फुल्का तो उसी को साफ़ कर दिया मैंने और अब मैं फिर से बेडरूम में आ गई हूँ और मैंने भी खाना खा लिया है और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम तो बस अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैं कर रही थी ड्रेसिंग टेबल को साफ क्योंकि आज मेरा यही मोटिव था कि मैं कर बेडरूम को पूरा ड्रेसिंग टेबल और अलमारी पूरा मैं साफ़ करके ही रहूँगी क्योंकि मेरा जो छोटा वाला बेडरूम है ना वहाँ पर कोई नहीं सोता है हम लोग सबको यहीं पे ही सोते हैं तो उसमें बेड रखा हुआ है लेकिन उसमें ज़्यादा सामान नहीं है बस उसमें मैं पूजा करती हूँ तो वो हमेशा वो रूम ना बंद ही रहता है क्योंकि अयांश उस रूम में जाता है ना तबाही मचा देता है इसी वजह से और यहाँ पर बच्चों के उस रूम में ना बुक किताब वगैरह रहती है पेंसिल वगैरह तो उससे ना अंश थोड़ा बदमाशी करता है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अयांस मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था उसे रो रहा था उसको जाना था छत और बस मैं लेके नहीं जा रही हूँ और वो आ, सुबह से ही मतलब कि जिद कर रहा था और अभी मैंने उसको आज रेडी भी नहीं कर पाई ना मैं खुद रेडी हो पाई हूँ मैंने कहा कि अगर मैं काम छोड़ के अगर आल मतलब थोड़ी देर बैठ जाती हूँ ना तो मेरे अंदर आ जाता है आलस तो फिर मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा देर रुक जाता है अयांस तो मेरा ये काम भी निपट जाता क्योंकि मेरी आदत है कि मैं छोड़ देती हूँ ना तो वो काम छूट ही जाता है और फिर यहाँ पर देखिए मैंने अयांस को लगा दिया है कार्टून और बस ये इतने मुश्किल से इसका फेवरेट वाला कार्टून मैंने लगाया तब जाके ये अभी थोड़ा देर मुझे नहीं परेशान कर रहा है और ये जाने के लिए बोल रहा था बाहर घूमने के लिए या फिर छत के ऊपर जाने के लिए या फिर इसके साथ बैठ के खेलना पड़ता मुझे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अभी मैं आ, साफ कर देती हूँ और जहाँ जहाँ इस ड्रेसिंग टेबल में वाइट कलर था ना वहाँ पे ज़्यादा ही मैल था वीडियो में पता नहीं चल रहा था इसीलिए मैं इसको ना थिनर से साफ़ कर रही थी और कॉलिन से भी साफ़ कर रही थी पहले मैंने थिनर से ही साफ़ किया और उसके बाद यहाँ पे जो शीसा है उससे मैं कॉलिन से एक बार और साफ़ कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से साफ हो जाए और ये देखिए चकाचक हो गया आप सभी को नहीं दिख रहा होगा ऐसे कैमरे पर मुझे अच्छा लग रहा था जब मैंने साफ़ किया तो उसके बाद थोड़ा बहुत हाथ मार दिया था मैंने बेड के ऊपर भी इस साइड और पहले ये बेड मैंने साफ़ किया था जब ये शिफ्टिंग के दौरान आया था उस टाइम उसके बाद मेरा बहुत मन हल्का हो गया था सारे काम करने के बाद इतना अच्छा लग रहा था ना मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये सारे काम मैं निपटाऊंगी क्योंकि कोई भी कपड़ा मैं ढूंढ रही थी ना जैसे तैसे मैंने रख दिया था तो वो मिलता नहीं था अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये जो है ना मतलब खिड़की खिड़की भी मैं लगे हाथ मैंने साफ़ कर दिया मतलब इस रूम का मैंने पूरा साफ कर दिया है और ये देखिए फाइनली मेरा कुछ इस तरह से बेडरूम दिख रहा है और बस सुबह से ही मेहनत कर रही थी और अभी इतना जल्दी सूरज ढल जाता है ना तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है शाम का टाइम और अभी मैं आप सभी को पूरा दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है तो फ्रेंड्स यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा बाय बाय